खबर है कानपुर के अकबरपुर के जिला अस्पताल की, जहां अस्पताल के ही एक संविदा कर्मी जिसका नाम रजनीश शुक्ला बताया गया है, उसने अपने लाभ को लेकर अस्पताल में चल रहे निर्माण कार्य को रुकवा दिया और विरोध कर ओपीडी को भी बंद करवा दिया, जिससे अस्पताल में उपचार कराने पहुंचे मरीजों एवं उनके तीमारदारों को भारी मुसीबतों का सामना झेलना पड़ा। इतना ही नहीं, दबंग संविदा कर्मी रजनीश शुक्ला ने ओपीडी ही बंद नहीं कराई, बल्कि जो मरीज वहां अपना पर्चा लिए अंदर दाखिल होने जा रहे थे, उनके पर्चे छीनकर फाड़ दिए गए तथा सभी मरीजों को ओपीडी से धक्का देकर भगाने का काम भी किया गया और ओपीडी में ताला जड़ दिया गया। इस बात से परेशान मरीजों के तीमारदारों ने पुलिस को मामले की सूचना दी, जहां पुलिस अस्पताल मौके पर पहुंची तो उन्होंने संविदा कर्मी रजनीश शुक्ला को समझाने का प्रयास किया तो उल्टा दबंग रजनीश शुक्ला ने पुलिस से अभद्रता करना शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने मरीजों की मदद के लिए बल प्रयोग करते हुए ओपीडी का ताला खुलवा दिया। मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर तो जमकर वायरल हो रहा, लेकिन दरोगा के द्वारा एक व्यक्ति को वायरल वीडियो में मारते देखा जा रहा है, तो उसमें चर्चा यह बनी हुई है कि रजनीश शुक्ला के फेवर में उस व्यक्ति को मामले में पुलिस से उलझाने के लिए उतारा गया था, जहां बात यह भी निकल कर सामने आ रही है कि मरीजों की मदद के लिए दरोगा को बल प्रयोग करना पड़ा और यही कारण है कि दरोगा को असंवेदनशीलता के व्यवहार के चलते निलंबित होना पड़ा। कल आप जिला अस्पताल गए थे, क्या वहाँ क्या देखा, क्या हुआ था? वहाँ हम अपनी भाभी को लेके गए थे तो ताला लगा हुआ था। रजनीश शुक्ला वहाँ का बहुत बड़ा गुंडा है और पुलिस न जाती तो वहाँ ताला नहीं खुलता। पुलिस ने जो किया बहुत अच्छा किया। मैं सरकारी अस्पताल रनिया गया हुआ था, मुझे फीवर था, वहाँ पे मौजूद रजनीश शुक्ला और उनके साथियों ने मुझे सरकारी अस्पताल के अंदर जाने नहीं दिया और जब मैंने पुलिस कंप्लेन की तो उन्होंने उनके साथ भी अभद्रता की। मेरा नाम अंकुर श्रीवास्तव है, मैं अकबरपुर कानपुर देहात का रहने वाला हूँ। और ये कल जो घटना घटित हुई है जिला अस्पताल में, मैं वहाँ मौके पर मौजूद था, वहाँ मैं दवाई लेने गया था। इस दौरान ये जो रजनीश शुक्ला जी हैं, ये मरीजों को अंदर जाने नहीं दे रहे थे। बहुत से मरीज परेशान थे, मैं भी बहुत परेशान था वहाँ पर, और इस कारण वहाँ पर पुलिस को फ़ोन किया गया। पुलिस आई तो हमारे नए चौकी इंचार्ज साहब कोई है, वो आए तो उनसे बदतमीजी पहले रजनीश शुक्ला जी ने की, उनको धक्का दिया, इसके बाद हम लोगों को वहाँ पे बंद कर दिया अंदर। इसके बाद फिर इंस्पेक्टर साहब को फ़ोन किया गया, सीओ साहब आए वहाँ पे, आने के बाद ये फिर ओपीडी बंद कराने जा रहे थे रजनीश शुक्ला जी। ये फिर इन्होंने कहा कि इमरजेंसी बंद कराएंगे, ये इमरजेंसी बंद कराने के लिए भागे वहाँ से, तो इंस्पेक्टर साहब ने पकड़ा इनको, तो इन्होंने इंस्पेक्टर साहब से बदतमीजी की, इंस्पेक्टर साहब की गिरावान पकड़ी, इंस्पेक्टर साहब के अंगूठे में कांटा गया। इससे उत्तेजित होकर और मरीजों को इलाज ना करते हुए देखकर इंस्पेक्टर साहब और पुलिस प्रशासन ने इन पर लाठीचार्ज की। बस इसमें पुलिस प्रशासन की कोई गलती नहीं है, यही मेरा। फिर जिला अस्पताल हम गए थे, हमारी नाती की तबीयत खराब थी और शुक्ला कर्मचारी ताला लगाए हुए था, पुलिस मौके पे आ गई, जब देखभाल की गई जो भी किया पुलिस ने ठीक किया। कल तुम जिला अस्पताल में दिखाई पड़ रहे थे, क्या क्या था? जिला अस्पताल में गए थे दिखाने तो अस्पताल में ताला पड़ा था, कोई शुक्ला है एक रजनीश, वो ताला खोल नहीं रहा था, तब पुलिस गई तब उसका खुला अस्पताल। कल तुम लोग वहाँ जिला अस्पताल में दिखाई पड़ रहे थे, क्या हुआ? हमारी तबीयत खराब थी, हम वहाँ दिखाने गए थे, वहाँ ताला बंद था, शुक्ला जी सबको बाहर भगा रहे थे, फिर रिश्ते में पुलिस प्रशासन आ गई थी तो उन्होंने देखभाल किया तो ताला उसको खुलवाया। पुलिस ने भी अच्छा काम किया, अच्छा काम किया पुलिस वालों ने। मेरा नाम अमित कुमार कुशवाहा है, मैं पंजीकरण में पर्चे बनाता हूँ, पंजीकरण इंचार्ज हूँ मैं। और कल वही लमसम 12 बजे रजनीश शुक्ला जी आए, उन्होंने पंजीकरण बंद करवा दिया, कहते तो पंजीकरण बंद कर दीजिए। इसके बाद जब पंजीकरण बंद करवा दिया तो मैं सीएमएस मैडम के पास गया, मैंने मैडम को सूचित किया कि मैडम रजनीश शुक्ला जी आए थे, पंजीकरण बंद करवा दिया है। तो मैडम ने कहा कि ऐसा करिए आप पंजीकरण चालू करिए, तो मैंने कहा पंजीकरण में चालू नहीं हो पाया क्योंकि वो बनाने नहीं दे रहे हैं। दूसरी बात, फिर मैडम ने पुलिस प्रशासन को सूचना दिया, पुलिस प्रशासन आई, उसके बाद पुलिस प्रशासन के द्वारा पंजीकरण हमारा खुलवाया गया,
उसके बाद मैंने पुनः पंजीकरण चालू कर दिया। अच्छा, तो आपका पंजीकरण बंद कराया था और भी कुछ बंद कराया था उन्होंने? ओपीडी भी बंद करवाई थी, पहले ओपीडी बंद करवाई, सभी डॉक्टरों जो डॉक्टर थे सभी डॉक्टर चले गए थे, उसके बाद हमारा पंजीकरण उन्होंने बंद करवाया। अच्छा अच्छा, तो कितने टाइम की बात है ये? लमसम 12 बजे के लमसम की बात है। काफी पेशेंट भी आए थे, पेशेंट भी दबाव डाल रहे थे, पर्चा बनाइए मगर बना नहीं पाए हम। बनाने नहीं दिया उन्होंने? हाँ, बस बनाने नहीं दिया, इसी वजह से फिर मैंने मैडम को सूचित किया था। अच्छा, फिर पुलिस प्रशासन के द्वारा पंजीकरण खुलवाया गया, एसडीएम साहब भी आ गए, साहब के अधिकारी आए हुए थे, उनके द्वारा फिर पंजीकरण खुलवाया गया। अच्छा अच्छा, आप यहाँ पे किस पद पे हैं, कौन सा हॉस्पिटल नाम क्या है? ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अकबरपुर कानपुर देहात है, मैं यहाँ वार्ड बॉय के पद पे हूँ। अच्छा, चलिए ठीक है, धन्यवाद। जिला अस्पताल के एक चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी रजनीश शुक्ला के द्वारा अस्पताल की ओपीडी को बंद कर दिया गया, वहाँ ताला जड़ दिया गया और डॉक्टरों को मरीजों को देखने से मना किया जाने लगा, साथ ही वहाँ अराजकता का माहौल उत्पन्न हो गया। सीएमएस के द्वारा पुलिस को दी गई सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुँची और भीड़ को जो है वहाँ से हटाया गया। इस क्रम में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पुलिस इंस्पेक्टर के द्वारा एक बच्ची को गोद में लिए हुए व्यक्ति पर जो है लाठी मारते दिखाया गया है, जो पुलिस की असंवेदनशीलता को प्रदर्शित करती है। इस प्रकरण में थाना अध्यक्ष विनोद कुमार मिश्रा को निलंबित किया गया है, साथ ही पूरे प्रकरण की जांच के लिए एडिशनल एसपी को जांच दी गई है और पूरे तथ्यों की जानकारी के बाद जो भी फैक्ट्स आएंगे उसके आधार पर अन्य विधिक और विभागीय कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।